हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो अब आ गया है सितंबर और अब सारे बच्चे जो है वो अपना एकेडमिक ईयर चालू करने के लिए अब रशिया मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको ऐसा है कि अब उनको आने से पहले कुछ कुछ ऐसा वर्ड है और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको जानना चाहिए आने से पहले। जैसे आपको किसी फॉर्मल इंसान को हेलो हाय, या तो आपको फ्रेंड को हेलो हाय, ताकि एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर टीचर्स, और ग्रोसरी शॉप्स अगर जा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, और आपको आराम से कोई भी सामान या भैया को कोई जरूरत ना पड़े ले जाने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं छोटा छोटा वर्ड जो आपको काफी हेल्प करने वाली है, क्योंकि आपका जो एकेडमिक ईयर स्टार्ट होगा वो स्टार्ट दो या तीन दिन में होगा, और फर्स्ट डे में आप इतना जल्दी नहीं सीख पाओगे। तो कुछ सारे ऐसे वर्ड हैं या कुछ ऐसे फ्रेज हैं जो आपको पहले से पढ़ के जाना चाहिए, ताकि आप वहां जाके आप आराम से कॉन्वो कर सके और आराम से बात कर सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मैं हूं साहिद हसन, आप समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो फिर बिना लेट किए हम लोग वीडियो को चालू करते हैं। तो अब हम लोग पहले बात करते हैं कि आपको जानने से पहले आपको कुछ अंक, या तो फिर आपको जो आप लोग बोलते हैं काउंटिंग टेबल, वो आपको कुछ ना कुछ आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते, हम लोग बस आज 10 तक बात करेंगे, और कभी और वीडियो अगर मैं लाऊंगा या तो फिर आपको 10 तक ही याद रखो, बाकी तो आप समझ ही जाओगे। क्योंकि अगर आप ग्रोसरी शॉप में जा रहे हो तो आपको वहाँ 2400 रूबल या ऐसे करके कुछ नहीं लिखा रहता है, आपको रूबल में ही लिखा रहेगा, और वो जो न्यूमेरिकल जो रहता है वो न्यूमेरिकल आपका जो हम लोग पढ़ते वही सेम रहता है, बट डिफरेंट क्या रहता है, जो बोलते हैं वहाँ वो अलग अलग जैसे बोलते हैं। जैसे वन को बोलते हैं अधीन, और वही फिर चेंज हो जाके कोई शब्द में, मतलब कोई वर्ड में अगर आ लग रहा है तो वो हो जाता है अदना, वो अलग चीज़ है। तो आज हम लोग बस काउंटिंग पे थोड़ा बात करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि पहला अगर बात करते हैं, पहला जो स्टार्ट होता है वो जीरो। जीरो क्या होता है? जीरो को बोलता है नल। ये आसान है, नल सब बोलते हैं हम लोग, इवन शून्य बोलते हैं या तो फिर नॉल बोलते हैं कि नन, तो नॉल वहाँ से हो गया। अब दूसरा जो आता है वो एक आता है। एक को क्या बोलते हैं हम लोग? अधीन। अधीन जो याद कर सकते हैं ओडीन से या किसी और से। फिर सेम है उसी तरह दो, दो को आसान है टू, टू को बोलते हैं द्वा। फिर थ्री हो गया, फिर थ्री को त्री, आसान हो गया। फिर फोर को चार होता, तो यहाँ क्या बोलना? चित्रे। उसके बाद फिर पाँच, पाँच को क्या बोलते हैं? प्यात। छः को क्या बोलते हैं? सेस्ट। फिर सात, सात को क्या बोलते हैं? सेम। फिर आठ, आठ को क्या बोलते हैं? वोसेन। फिर नौ, नौ को क्या बोलते हैं? देवयात। फिर दस को क्या बोलते हैं? दशयात। तो ये जो तुम्हारा था वो जीरो से टेन तक था। तो ये सारे चीज़ है वो आपको एक बार देख लेना चाहिए, आपको एक बार याद कर लेना चाहिए कौन कौन सा वर्ड आता है। अब देखो, अगर आप जा रहे हो फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम एक ग्रीटिंग होता है कि आप ग्रीट कैसे कर रहे हो। तो यहाँ जो ग्रीटिंग होता है वहाँ, जैसे एक हम लोग नमस्कार बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, या तो फिर अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, तो सबका अलग अलग है। तो इसी तरह यहाँ भी अलग अलग है। अब यहाँ हम लोग एक जो फ्रेंड बोलते हैं, तो फ्रेंड को भी मिलता है तो हम लोग फ्रेंड को क्या बोलते हैं? व्हाट्सअप ब्रो, क्या हाल है, इतना अगर बोलते हैं अगर ये सब चीज़, या तो फिर कोई दोस्त, क्या भाई क्या हाल है, ऐसे बोलते हैं। या तो फिर हम लोग को अंकल मिलते हैं तो अंकल को तो ऐसे नहीं बोलते, या तो नमस्ते या नमस्कार बोलते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ भी इसी तरह है कि अगर आपका कोई फ्रेंड है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाय को प्रीवियत। क्या? प्रीवियत। तो प्रीवियत बोलते हैं। अब आपको कोई फॉर्मल वे में बोलना है तो फॉर्मल वे में आप बोलिएगा क्या? द्रास्ते वित्य। क्या बोलिएगा? द्रास्ते वित्य। तो ये जो है दो तरह का हो गया, ठीक है। अब दूसरा चीज जो आ जाता है वो आपको स्टार्ट होता है कि अब जैसे आगे कॉन्वोकेशन बढ़ाना है तो आपको क्या बोलना चाहिए, या तो फिर मैं आपको जान ही नहीं रहा हूँ तो पहले बोलेंगे हाय हाय, हेलो, प्रीवियत प्रीवियत, द्रास्ते वित्य। उसके बाद फिर बोलेगा क्या? तो बोलेगा काक जाबुत, मतलब क्या आपका नाम है, तो व्हाट इज योर नेम। तो आप कैसे आंसर करोगे? मिनिया जाबुत डैश, मतलब मेरा नाम साहिद है, तो मैं बोलूंगा मिनिया जाबुत साहिद हसन। तो इसी तरह आप कॉन्वो कर सकते हैं। अभी एक स्टार्ट सकते थे, क्या बोल सकते? काक व जाबुत, तो मिनिया जाबुत शाहिद हसन। अब ये हो गया। अब अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो काफ़ी ऐसा चीज़ होते हैं कि आपसे गलती हो जाए, किसी को आप ठोकर मार दे, तो यहाँ एक वर्ड होता है, और ठोकर मारने के, या तो फिर आप गलती से कहीं कुछ कर दिए, तो यहाँ दो चीज़ होता है, या तो फिर आप अगर किसी को एक्सक्यूज़ करके साइड करना चाहते हो, या तो आप बोल सकते हो कि हमसे गलती हो गया, माफ़ कर दिए। तो दोनों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ इज वी नीते। क्या यूज़ करते हैं? इज वी नीते। तो इज वी नीते यूज़ करते हैं। अब देखिए, अब काफ़ी सारे ऐसे हैं कि हाँ, अब एक फॉर्मल वे में बोलते हैं कि सॉरी, सॉरी को भी बोल सकते हैं कि प्रोस्तीते, मिनिया प्रोस्तीते, ये बोल सकते हैं कि मुझे माफ़ करो,
लेकिन एक जो फॉर्मल वे या आप एक रेगुलर बेसिस पे बोल सकते हो, आप बोल सकते इज्विनीते मिनिया, मतलब मुझे माफ कर दो या मुझसे ये हो गया, तो ये का बोल सकते हो, ठीक है। अब दूसरा चीज़ है कि आप ग्रोसरी शॉप में जा रहे हो, अब आपको पता नहीं है कि इसका दाम क्या है। मान लो ऐसा कोई छोटा कोई भी प्रोडक्ट है, या मान लो ये बुक हो गया, अब ये नोटबुक हो गया, अब नोट ये बुक के बारे में आपको पूछना है कि इसका प्राइस क्या है, तो आप क्या पूछोगे? स्कोल का स्तुत, मतलब कितना पैसा है इसका है, तो क्या बोलिएगा? स्कोल का स्तुत। तो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग हेलो जान गए, प्रीवियत जान गए कि हेलो मतलब प्रीवियत हो गया, द्रास्तविचे हो गया। अब काफ़ी सारा ऐसा वर्ड है जैसे कि अब हमको बाय बोलना है, ठीक है। तो बाय का भी दो होता है, एक फॉर्मल एक नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल में हम लोग कोई दोस्त हो गया तो बोल सकते हैं पक्का पक्का, मतलब बाय। और अगर आपको बोलना है फॉर्मल वे में आपको टीचर या आपसे बड़े, तो उसको आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा दस विदानिया। क्या बोलिएगा? दस विदानिया। ये हो गया। अब देखिए, अब हम लोग जैसे होता है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग या गुड नाइट, तो हम लोग क्या बोलते हैं? अब एक चीज आप याद कर लिए, सब में होता है दोबरे। अब सुबह को हो गया मॉर्निंग, दोबरे उतरा, फिर दोपहर का हो गया तो दोबरे दिन, दोबरे दिन। फिर अगर रात का हो गया गुड नाइट, तो आप क्या बोले? दोबरे विचे, ठीक है। अब एक और हो गया कि अब सोने का बोलना क्या, तो गुड नाइट को क्या बोलते हैं? स्पकॉय नोच। क्या बोलिएगा? स्पकॉय नोच। अब हम लोग एक दूसरा वर्ड पे आते हैं, जैसे कि आप कहाँ जा रहे हो, या तो आपका क्या है, आपको कुछ ढूंढना है, जैसे टीचर, तो कहाँ का मतलब गधे, गधे टीचर, मतलब अगर आप कहीं जा रहे हैं मेट्रो का आपको पता करना, तो आप क्या बोलिएगा? गधे मेट्रो, गधे मेट्रो। अब दो चार और वर्ड हो गया, जैसे हाँ बोलना, यस बोलना, दा, अगर नहीं बोलना है तो नहीं है। और अगर काफ़ी सारे से फर्स्ट टाइम अगर जाओगे, तो आपको पूछेगा कि आपको रशियन आता है कि नहीं आता, तो वो बोलेगी पानीमाए पारुस्की, तो आप बोलिएगा नियत या पानीमाए पारुस्की, मतलब तुमको आपको रशियन नहीं आता है। गुड़ का क्या बोलिएगा? खाराशो, 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 ठीक है। बैड वर्ड, बैड मतलब बैड अगर होता है, तो बैड मतलब कुछ भी चीज़ आपको अच्छा नहीं लगा, जो कि आपको बोलना नहीं है, बट उसका मतलब उसको आप बोल सकते हो पलोखा, या तो फिर निया खराशो, मतलब अच्छा नहीं है, ठीक है। ये और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको हमेशा बोलना चाहिए कोई भी वर्ड लगाने से पहले, ताकि एक अच्छा साउंड कर सके, वो होता है आपका प्लीज। प्लीज को क्या बोलिएगा? पजा लूस्ता। क्या बोलिएगा? पजा लूस्ता। और ये सारे वर्ड आपको याद करके आना है। तो ये सब सारे वर्ड है जो आपको पहले से पता होना चाहिए आने से पहले, ताकि आपको एक इजी हो जाए, और आपके आने के बाद आपको 6 महीना कम से कम, 1 साल तक आपको अपना बस लैंग्वेज पे प्रिपरेशन करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, और लैंग्वेज जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप सीख लो, क्योंकि ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला और आपके जर्नी में काफ़ी हेल्प और काफ़ी ईजी चीज़ करता है। इवन आपको अगर टीचर के साथ जाना है, तो टीचर को भी उतना अच्छा इंग्लिश आता नहीं है, एग्जैक्टली जो फैक्ट बात है। तो आप उनको अगर थोड़ा सा अगर रशियन अगर आप बोलते हो, तो आपसे वो इम्प्रेस होती है और आपको एक गुड नोट में रखती है, ठीक है। तो वो सब सारे एक इम्प्रेशन जमाने के लिए एक आपको अच्छा रशियन आना बहुत ज़रूरी है। तो और भी चीज़ें हैं जो आप आने के बाद यहाँ सीखोगे। तो फिर वीडियो में यही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ भी क्वेश्चन हो या कुछ भी आपको कन्फ्यूजन हो, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके मैसेज कर सकते हो, या तो कमेंट कर सकते हो, या इवन मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, तो आप वहाँ जाके मैसेज करके पूछ सकते हो। तो मिलते किसी और नई वीडियो में, टिल देन गुड बाय।